अगर ब्लैक एडम का सामना हल्क से हो जाए तो गुस्से से हरे भरे हल्क का सामना ब्लैक एडम कर पाएगा या नहीं। वैसे हल्क को यहाँ पर हमने जो एमसीयू में देखा है उसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम यह कंसीडर कर सकते हैं जो हल्क हमने इनक्रेडिबल हल्क मूवी में देखा था उसे यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि अभी के जो हल्क की बात करेंगे तो वो इसमें इतना गुस्सा नहीं रहा है, अब तो उसकी आग जो थी वो ज्वालामुखी से मोमबत्ती बन चुकी है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं ब्लैक एडम वर्सेज हल्क के फाइट की और जानते हैं कि इनकी फाइट का विनर कौन हो सकता है और कौन किस पर भारी पड़ सकता है। तो हल्क के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना और ड्यूरेबिलिटी है, हल्क के पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है और हल्क की स्किन इतनी ज़्यादा हार्ड है कि उसे कट करना और हल्क को इंजर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने बैंड बजा दी थी, लेकिन मैंने पहले भी कह दिया है कि अभी के जो करंट सीनेरियोज में हल्क को हम देख रहे हैं उसे कंसिडर नहीं करेंगे। एबोमिनेशन के साथ जिस हल्क ने फाइट की थी उसे कंसिडर कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पर तो हम कॉमिक्स वाले हल्क को ही लेंगे और हल्क का जो थंडर क्लैप है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है ना कि सामने एक बिल्डिंग होगी तो उसे भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसे कि हमने मार्वल मूवीज में सिर्फ दो ही बार यूज करते हुए देखा है। और हल्क एक लॉन्ग जंप भी कर सकता है और हल्क को जितना ज़्यादा गुस्सा आता है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग और पावरफुल बनते जाता है। तो वही दूसरी तरफ ब्लैक एडम है जिसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेज, स्पीड के साथ ही लाइटनिंग अटैक की पावर्स भी है, इलेक्ट्रोकेनेसिस की एबिलिटीज भी हैं ब्लैक एडम के पास। और इन पावर्स के साथ अगर ब्लैक एडम और हल्क के बीच में फाइट होती है तो यहाँ पर ब्लैक एडम को अपनी फ्लाइट पावर्स की वजह से हल्क के अगेंस्ट फाइट में एडवांटेज मिल जाएगा, क्योंकि ब्लैक एडम आराम से दूर खड़े रहकर भी हल्क के ऊपर अपनी लाइटनिंग अटैक की मदद से हमला कर सकता है और हल्क को परेशान कर सकता है। इसके अलावा ब्लैक एडम के पास सुपर स्पीड है जिसकी वजह से वो कब कहां से आ करके किसको मार के जाएगा हल्क को पता ही नहीं चलेगा। और खैर ठीक है कि अगर वो इतनी सुपर स्पीड का यूज़ नहीं करता है तो हल्क भी अपने लॉन्ग जंप की वजह से थोड़ा बहुत तो ब्लैक एडम को परेशान कर ही सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर दोनों के बीच में एक क्लोज फाइट हो रही है तो यहाँ पर हल्क और ब्लैक एडम दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छी टक्कर भी देंगे, क्योंकि दोनों के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है और यहाँ पर स्टेमिना और ड्यूरेबिलिटी में भी दोनों बराबर है और कोई भी हार मानने वाला नहीं है, क्योंकि ब्लैक एडम क्या चाहिए, जीत चाहिए भाई साहब, आगे वाला मरे चाहे जिए उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, उसको मूवी में थोड़ा हीरोइक दिखाने के लिए ऐसा परवाह करने वाला बता दिया गया है। खैर छोड़ो उस बात को, सीधा पॉइंट पे आते हैं। हल्क को जितना ज़्यादा गुस्सा आएगा वो उतना ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा और ब्लैक एडम कभी हार मानने वाला है नहीं, तो और दोनों के पास स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी भी है तो यहाँ पर तो दोनों बराबर है। अगर रिफ्लेक्सेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ब्लैक एडम के रिफ्लेक्सेज हल्क से ज़्यादा इनहांस है। ब्लैक एडम ने लगातार फायर हो रही बुलेट्स में से बुलेट को पकड़ लिया था, अब उसको मालूम है कि अपने को गोलियों से कुछ नहीं होने वाला है, फिर भी बेचारा उस बुलेट को पकड़ रहा है। तो समझ ही सकते हो जब उसे यह पता चलेगा कि अपनी बैंड बजने वाली है तब तो वो अपने रिफ्लेक्सेज को किस हद तक यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें हल्क के रिफ्लेक्सेज की तो वो उतने कुछ खास नहीं है। हल्क अपने थंडर क्लैप से पावरफुल विंड जनरेट करके ब्लैक एडम पर अटैक कर सकता है। अब उससे ब्लैक एडम को क्या ही फर्क पड़ने वाला है भाई साहब, थोड़ा सा दूर जाके गिर जाएगा फिर उठ के फिर वापस आ जाएगा, तो इससे भी उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इन अटैक से दोनों को कोई भी खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब यही तो मैंने वापस बोला है, मैं फिर से क्यों बोल रहा हूँ, चलो ठीक है बात करते हैं। क्योंकि हल्क के थंडर क्लैप अटैक को ब्लैक एडम इजीली डॉज भी कर सकता है अपनी सुपर स्पीड और फ्लाइट एबिलिटीज की वजह से, और लेकिन ब्लैक एडम के जो लाइटनिंग अटैक है उनको हल्क अपनी ड्यूरेबिलिटी की वजह से सर्वाइव कर लेगा, लेकिन उनको डॉज नहीं कर पाएगा क्योंकि हल्क के पास सुपर स्पीड नहीं है। ब्लैक एडम ने जैसे ही लाइटनिंग अटैक किया अब हल्क तुरंत तो वहां से हट नहीं सकता, ना ही हवा में उड़ सकता है। हाँ, उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी है कि वो उसे सर्वाइव कर लेगा। तो अभी तक तो हमने इस फाइट के बारे में जो भी बातें की हैं उनके बेसिस पर दोनों बराबर ही लग रहे हैं। तो चलो बात करते हैं हल्क और ब्लैक एडम के बीच डायरेक्ट स्ट्रेंथ बेस पर होने वाले फाइट की। तो स्ट्रेंथ बेस पर होने वाली इस फाइट में बेशक ब्लैक एडम फाइट की शुरुआत में हल्क पर भारी पड़े, क्योंकि इनिशियली स्टेट में हल्क की स्ट्रेंथ ब्लैक एडम के कंपेरिजन में कम ही होगी, क्योंकि अब बेचारा तुरंत ही हल्क बना है तो उसके बाद इतना ज़्यादा गुस्सा तो नहीं होगा ना, थोड़ा तो मार खाएगा तब जाके उसे गुस्सा आएगा, और यही तो हल्क की खास बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा गुस्सा आएगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग बनते जाएगा और इसी वजह से जितनी फाइट लंबी चलेगी हल्क की पावर उतनी ही बढ़ती जाएगी। लेकिन ब्लैक एडम की पावर तो जितनी है उतनी ही रहेगी। तो हल्क के पास एक तरह से कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा गुस्सा उतनी ज़्यादा पावर, जिस वजह से यह माना जाएगा कि हल्क के पास लिमिटलेस स्ट्रेंथ है और वो अपने वर्ल्ड ब्रेकर हल्क वाले अवतार में भी तो आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते हैं। चलो ठीक है आगे बात करते हैं।
और हल्क के पास लिमिटलेस स्ट्रेंथ होने की वजह से ब्लैक एडम हल्क के ऊपर जितने भी पावरफुल अटैक्स करेगा हल्क उतना ही ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, और उतना ज्यादा गुस्सा आएगा तो उतनी ज्यादा उसकी पावर्स भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से ओवरऑल स्ट्रेंथ बेस पर होने वाले इस फाइट में विनर के लिए मेरी चॉइस हल्क है। लेकिन अगर दूर दूर रहकर फाइट करनी है भाई साहब, तुम्हारे घर से अटैक करो तो उस केस में हो सकता है ब्लैक एडम जीत जाए, क्योंकि इतना दूर से ब्लैक एडम ही अटैक कर सकता है भाई साहब। हल्क के पास तो सिर्फ थंडर क्लैब और उससे ब्लैक एडम को घंटा भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ओवरऑल यहाँ पर अगर लॉन्ग रेंज फाइट हो रही है तो यहाँ पर ब्लैक एडम के विनिंग चांसेस ज्यादा है, क्लोज फाइट हो रही है तब दोनों इक्वल आ जाएंगे, और अगर ओवरऑल स्ट्रेंथ बेस की फाइट हो रही है और फाइट काफी लॉन्ग टर्म तक चल रही है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर डेफिनेटली विनर हल्क होगा। वैसे आपको क्या लगता है इस फाइट का विनर कौन होगा कमेंट में जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी हो या नहीं लगी हो तो भी कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो सही में अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। साथ ही अगर किसी टॉपिक पर और वीडियो देखना चाहते हो कमेंट बॉक्स में सजेस्ट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। Around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip, and I'm liable to spark it.